जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। विषय है कागज पर नाम लिखकर जला दो। आपका पार्टनर आपका बात जरूर मानेगा। ये प्रयोग भी बहुत सुंदर है, सावरोक्ति का टोटका उपाय है। ज्यादा आडंबन करने का जरूरत नहीं है, लंबा प्रोसेस का भी जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का समय लगेगा आप लोगों को यह अनुष्ठान करने के लिए। ध्यान से धैर्यपूर्वक वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए बिना डाउनलोड किए कम से कम एक बार देखें। देखने से आप लोगों को सभी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फोन लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो में मंत्र गुरु जी ने नहीं दिया, यंत्र गुरु जी ने नहीं दिया, गुरु जी सब बताते हैं कहाँ पे कौन सा चीज रहता है। उसके बाद भी अगर वीडियो नहीं देखते तो मैं क्या करूँगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ, वीडियो को एक बार देखिए, दोबारा वीडियो को देखने का जरूरत नहीं है। आज का ये अनुष्ठान कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए, घंटे को दबाकर ऑल कीजिए, ऑल AL। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा, यानी कि मैसेज पहुँचेगा, आप लोग तब मेरा वीडियो को देख पाएंगे, नहीं तो नोटिफिकेशन मैसेज नहीं आएगा। चलिए मैं आज का कॉन्टेंट शुरू करता हूँ। मेरे भाई तो ये जो सुंदर सावरोक्त टोटका उपाय है आप लोग अपने घर में बैठकर अनुष्ठान कर सकते हैं। यह अनुष्ठान आप लोगों को लगातार 3 शनिवार तक करना है। ये अनुष्ठान करने के साथ साथ आप लोग कई अनुष्ठान एक साथ कर सकते हैं। मैं जो भी प्रयोग टोटका प्रयोग बताता हूँ एक प्रयोग के साथ आप लोग 10 प्रयोग भी अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। लेकिन वशीकरण के साथ उच्चाटन विद्य संस्तंभन का कर्म मत करें। अगर वशीकरण का प्रयोग अप्लाई करते हैं तो वशीकरण का ही प्रयोग अप्लाई करें। अगर स्तंभन का करते हैं तो वशीकरण स्तंभन एक साथ नहीं होगा। वशीकरण वशीकरण स्तंभन स्तंभन अलग अलग सब रूट है। मेरे चैनल पर बताए हुए उपाय को मेरे चैनल के उपाय के साथ ही करें, किसी दूसरे का उपाय के साथ मेरे उपाय को एक साथ मेल करके मत करें, इससे आप लोगों का फायदा नहीं पहुँचेगा। ये जो अनुष्ठान कॉन्टेंट है आज आप लोगों के लिए लाया है एक बहुत ही शक्तिशाली सुंदर यंत्र प्रयोग। इस यंत्र को बनाने के लिए आप भोज्य पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं मिलता है पूजा सामग्री के दुकान में 10 रुपये में बड़ा भोज्य पत्र मिलेगा। भोज पत्र एक पेड़ का पत्ता, एक पेड़ जो हरिद्वार के साइड में बहुत ज़्यादा वन है उसका, ठीक है, पेड़, उस पेड़ का छाल को या पत्ते को भोजपत्र को बोला जाता है, उसे भोजपत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद अच्छा कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को एक मिट्टी का दिया लेके आना है, आप लोगों को भोजपत्र या कागज लेके आना है, लाल कलर का स्केच पेन या मार्कर पेन का यूज़ करें इस अनुष्ठान में। यंत्र मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर दे दूंगा। यंत्र में जो लिखा है, लिखने का जो शब्द है मैं उल्लेख करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कई लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए हिंदी का उच्चारण और बंगला का मंत्र उच्चारण में थोड़ा बहुत अलग होता है, इंग्लिश में तो आएगा ही नहीं उसमें बहुत ज़्यादा, शावर में तो लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जो लोग मैं हिंदी में मंत्र देता हूँ अगर कोई लोग उस मंत्र को इंग्लिश में करके दे तो मैं जरूर विवरण बॉक्स पर उसे अपडेट कर दूंगा। मंत्रों को मैसेज पर ना लिखे, कभी कभी कोई भी व्यक्ति मंत्रों को कमेंट पर अपडेट कर देते हैं, मंत्रों को कमेंट पर अपडेट ना करें, अपना फ़ोन नंबर भी कभी भी कमेंट पर अपडेट ना करें। मैं ऐसे कई लोगों को बता देता हूँ उसके बाद भी फ़ोन नंबर अपडेट करते हैं। फ़ोन नंबर अपडेट अगर करेंगे तो सुबह शाम इतना घंटी बजेगा आप सोचेंगे जी गुरु जी का वहाँ पे फ़ोन अपडेट क्यों किया नंबर। इसीलिए मैं आप लोगों का स्वार्थ के लिए आप लोगों का अच्छे के लिए ही मैं ये बता रहा हूँ फ़ोन नंबर अपडेट ना करें। अभी और एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं पिछले हफ्ते जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें मैं वीडियो के अंदर ही एक मैंने बता दिया था जब मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा क्या आने वाला है, तो मैं उसके वीडियो अपलोड करने का रात को ही एक पोस्ट डाला, यूट्यूब पर एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछा था, जे मैं आप लोगों को प्रश्न पढ़ के बताता हूँ। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछा था मेरा नेक्स्ट वशीकरण वीडियो का टॉपिक क्या है, सही उत्तर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उसमें कुछ ऑप्शन था जल, मिट्टी, तेल, जड़ी बूटी और अपने मुँह का लार, यानी कि लाला, ठीक है, बांग्ला में जिसको लाला बोलते हैं।
तो या अपने मुंह का थूक, सीधा भाषा में मैं बोलूँ तो उसमें जो सबसे ज़्यादा आया है 51% जल से वशीकरण, 10% मिट्टी से वशीकरण, 4% तेल से वशीकरण, 8% जड़ी बूटी से वशीकरण, अपने मुंह का लाला या लार से वशीकरण 27%। तो आप समझ सकते हैं जो 51% लोग मेरा वीडियो को किस तरीके से देखा, 51% लोग मेरे वीडियो को किस तरीके से देखे, जो 51% लोगों को मैं ये वीडियो के अंत में सीधा बता दिया था मेरा नेक्स्ट टॉपिक का क्या है। जो 27% लोग हैं उन लोगों को कैसे पता लगा जब मैं इस टॉपिक को वीडियो बना लूँ, वो लोग वीडियो को पूरा देखे इसलिए पता लगा। 51% लोग वीडियो को देखे ही नहीं है, कुछ एक ऑप्शन को दिखा या ऑप्शन को दबा दिए। 10% लोगों को लगा मिट्टी कहाँ से आया, मिट्टी मैं कब बताया वीडियो में मिट्टी से वशीकरण करूंगा, तेल से वशीकरण, जड़ी बूटी से, बताया ही नहीं। मैं आप लोगों को इसलिए ये बताना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो देखिए, अगर आप लोगों को निःशुल्क अनुष्ठान करना है, जेन्युइन अगर कंटेंट का आप लोग चाहिए, आप लोगों को बोलते हैं गुरुजी मुझे जेन्युइन कंटेंट जो अच्छा काम करे, शक्तिशाली काम करे, तो आप लोगों के लिए तो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं भी तो इत्यादि बाल्टी फाल्टी थे कई प्रकार का है वशीकरण मैं बना सकता हूँ। एक नया वशीकरण का टॉपिक अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आया है, चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसके ऊपर मैं एक लाइव बनाऊंगा नया टॉपिक के ऊपर। तो अभी आप लोगों को क्या बताओ, आप लोगों को अगर जेन्युइन कंटेंट चाहिए, सही चीज़ चाहिए, तो आप लोग वीडियो को कम से कम एक बार पूरा देखें बिना स्किप किए। जब आप लोगों को समझ में आ जाए तब आप लोग अनुष्ठान कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा बार बार वीडियो को देखते रहिए, सही तरीके से अगर वीडियो को एक बार देखेंगे तो मेरा विश्वास है दोबारा देखने का जरूरत नहीं है, कॉमेंट करने की जरूरत नहीं है, कॉल करने का भी जरूरत नहीं। आगे आप लोगों का इच्छा, 51% लोगों को आंसर ही पता नहीं है जब मैं नेक्स्ट टॉपिक किया है, तो मंत्र उन लोगों को कैसे मिलेगा। मंत्र हर रोज मुझे फोन लगाकर पूछे गुरु जी मंत्र तो दिए नहीं, यंत्र तो दिए नहीं, क्या बोलो अभी, छोड़िए। तो ये सारे सामग्री के साथ आप लोगों को बंगाल में इसको आलता बोलते हैं, ये जो चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए डब्बा, ठीक है, ये महिला लोग पूजा अनुष्ठान बंगला में, पूजा अनुष्ठान और विवाह अनुष्ठान में ये महिला लोग पहनते हैं, बंगला में इसको आलता बोलते हैं। तो ये एक डब्बा आप लोगों को, लिक्विड हो, पाउडर हो, कुछ भी आकृति में आप लोगों को चाहिए। तो ये हो गया आइटम। तो आप लोगों को यंत्र के अंदर आप लोगों को क्या क्या करना है, यंत्र के अंदर जो शब्द रहेगा रिंग रोंग रिंग, नीचे लिखना पड़ेगा आप लोगों को नाम एक्स वाई जेड, जो व्यक्ति को आप लोग वशीकरण करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा। पूरा जो स्केच है गोल गोल आकृति में स्केच रहेगा, स्केच के अंदर रिंग रॉन्ग रिंग और नीचे नाम, ऐसे पूरा स्केच बनेगा। अभी जो स्केच आप लोग बना है लाल कलर का स्केच पेन से, जब भी स्केच बनाए जमीन के ऊपर ना लिखे, कुछ कॉपी के ऊपर रखे, लकड़ी के कुछ उस कुछ मैंने किसी के ऊपर रख कर लिखे, मेरा यही बोलने का मतलब है जमीन के ऊपर रखकर स्केच या यंत्र ना बनाए। अभी यंत्र बनाने के बाद एक पात्र के ऊपर यंत्र को स्थापित करें, धूप और दीप दिखाए यंत्र के ऊपर, फूल चढ़ाए यंत्र के ऊपर, भगवान के स्वरूप यंत्र को पूजा करें। यंत्र को पूजा करने के बाद अभी जो मिट्टी का आप दिया लाए, उस मिट्टी का दिए को भी जमीन के ऊपर रखकर, मिट्टी का दिया को ना जलाए, कुछ किसी चीज़ के ऊपर रखकर अभी उसको जलाए। अभी जलाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मीठा कोई तेल लेके आइए, जैसे तिल का तेल सबसे मीठा होता है, मीठा तिल का तेल लेके आइए, या सुगंधित कोई भी तेल लेकर आप लोग दिए को जला सकते हैं। रुई लीजिए, यंत्र को पतला से फोल्ड कर लीजिए, रुई के अंदर यंत्र को बिठाइए, पतला सा, ज़्यादा रुई, हल्का सा रुई लगे, ज़्यादा रुई लगाने का ज़रूरत नहीं है। तेल के अंदर ये जो मैं बोला आलता, तेल के अंदर एक दो बूंद ये आलता को डालकर तेल को पूरा लाल कर लीजिए। अभी तेल को आप लोग जलाइए, जब आप लोग तेल को जलाएंगे, तेल जब आग जब लगाएंगे, अग्नि जब जलाएंगे, उस फोल्ड किया हुआ रुई के अंदर उसको बिठा दीजिए, अभी तेल उसको जलाइए। दीपक का मुंह रहेगा पूर्व दिशा की ओर, अग्नि संयोग करने के बाद आप लोग उस जलते हुए अग्नि के तेल के अंदर, अग्नि के शिखा के ऊपर नहीं, तेल के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा 2-4 बूंद या 10 बूंद आप लोगों को शहद टपकाना पड़ेगा।
ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, यंत्र पूरा जलना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा अमुक मनोकामना है, पार्टनर से अमुक लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, जो भी इंसिडेंट घटना आप लोगों के साथ हुआ है, वही घटना ईश्वर के सामने बैठकर निवेदन कीजिए। अनुष्ठान सूर्य अस्त्र जाने के बाद ही होगा, दिन के समय ये अनुष्ठान नहीं हो सकता है। जब सूर्य अस्त चला जाता है उसके बाद यह अनुष्ठान करें, किसी भी स्थान पर बैठ कर अनुष्ठान करें। ध्यान रखें, दीपक एक बार जलने के बाद वह बुझना नहीं चाहिए, पूरा यंत्र जलना चाहिए। एक चिमटा, जिसको बांग्ला में बोलते छोटा सा चिमटा, उस चिमटा को पकड़ पकड़ कर यंत्र को पूरा जलाए। ज़्यादा रुई यंत्र के ऊपर लपेटने की जरूरत नहीं, हल्का सा रुई लपेट कर यंत्र को जलाए। ज़्यादा रुई लपेट कर जलाएंगे, लंबे समय तक जलेगा। ज़्यादा तेल डालने का भी जरूरत नहीं है, कम तेल डाल के जलाए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही काफ़ी है यंत्र को जलने के लिए। इस हिसाब से यंत्र को बनाकर इस हिसाब से यंत्र को जलाए। मेरा विश्वास है आप लोग कभी कभी, तो मैं देखा हूँ ये प्रयोग करते, मैं कई जजमान को ये प्रयोग करवा चुका, कभी कभी देखा हूँ एक बार ये प्रयोग करने से ही मनोकामना पूर्ण होता है। इससे पहले भी मैं यंत्र को बनाने का कई प्रयोग बता चुका हूँ, आज आप लोगों के लिए अलग एक प्रयोग बताया, अलग ही यंत्र का प्रयोग। इसमें मंत्र का कोई उल्लेख नहीं है, कोई मंत्र का जाप करने की भी जरूरत नहीं। अगर आप लोग दीक्षित है तो गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप आप लोग वहाँ पर बैठ कर सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी विवाहित स्त्री के ऊपर किसी भी प्रकार का तांत्रिक कर्म प्रयोग आदि ना करें, इससे आप लोगों का भारी नुकसान पहुंचेगा। आगे आप लोगों का इच्छा, ये संपूर्ण प्रयोग पद्धति संपन्न हो जाने के बाद जो राग बचेगा विसर्जन कर दीजिए, नदी है तो नदी में बहा दीजिए। जो दिया आप लोग इस्तेमाल कीजिए, जो पेन इस्तेमाल कीजिए, कि अगर एक हफ्ते के अंदर आपका मनोकामना पूर्ण नहीं होता है, शनिवार से शुरू कीजिए, नेक्स्ट शुक्रवार आते आते मनोकामना अगर पूर्ण हो जाते तो संपूर्ण चीज़ को विसर्जन कर दीजिए। नहीं होता है तो फिर से शनिवार को सेम प्रोसेस आप लोगों को दोहराना है, उसके बाद भी नहीं होता तो नेक्स्ट शनिवार को फिर से सेम प्रोसेस दोहराना है। ये संपूर्ण प्रोसेस 3 बार अगर कंप्लीट हो जाने के बाद ये संपूर्ण आइटम को विसर्जन कर दे, पेन को भी विसर्जन कर दे, पेन को भी रखना नहीं है। सेम यंत्र बनेगा, सेम प्रोसेस बनेगा, नाम हर यंत्र के गोलाई में हर जगह पर अपने पार्टनर का नाम लगाकर यंत्र को अंकन करें। मुझे तो लगता है मैं संपूर्ण प्रयोग पद्धति वीडियो के अंदर बता दिया, इसके बाद भी मुझे कमेंट में देखना पड़ेगा, गुरु जी यंत्र तो दिए नहीं, गुरु जी मंत्र तो बताए नहीं, प्रयोग कैसे करना है ये बताए नहीं। तो आगे मैं आप लोगों को समझदार है, आप लोग जब भी ऐसे कमेंट देखेंगे थोड़ा मेरा हेल्प कीजिएगा, कमेंट के अंदर थोड़ा आप लोग भी रिप्लाई कीजिए, ताकि मुझे ये बार बार रिप्लाई करने के, मैं अकेला इंसान हूँ, ठीक है, मैं कितना रिप्लाई करूँ, कितना बार बार एक ही चीज़ को समझो, आप लोग भी थोड़ा मेरा सहायता कीजिए। आज का ये अनुष्ठान पद्धति को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। हरिओम तत्सत।